अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म नहीं गर्व होना चाहिए। मातृभाषा आदमी के संस्कारों की संवाहक है। मातृभाषा के बिना किसी भी देश की संस्कृति की कल्पना बेमानी है। मातृभाषा हमें राष्ट्रीयता से जोड़ती है और देश प्रेम की भावना उत्प्रेरित करती है। उद्देश्य विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा देना। दोस्तों आज 21 फरवरी के दिन कुछ खास है क्योंकि आज के दिन विश्व में कई तरह के अलग अलग कार्यक्रमों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन किया जाता है। दोस्तों आओ हम भी अपनी मातृभाषा को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाएं और उसका सम्मान करें, क्योंकि मातृभाषा ही हमारी पहली पहचान होती है और यही पहचान हमारी संस्कृति और हमारे रहन सहन का परिचय देती है। आज संकल्प लेते हैं हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे अपनी अपनी मातृभाषा को अपने जीवन में उतारने के लिए, क्योंकि माँ के समान ही होती है हमारी मातृभाषा। एक अलग भाषा जीवन की एक अलग दृष्टि है। अगर बनना है महान तो अपनी मातृभाषा को करना होगा सम्मान। विश्व स्तर पर छोटे छोटे देशों की मातृभाषाएं भी सभी और प्रचलित है। शिक्षा व्यवसाय और हर क्षेत्र, यहाँ तक कि डिजिटल स्वरूप में भी उन भाषाओं में बड़े स्तर पर कार्य किए जाते हैं। अगर हम ही अपनी मातृभाषाओं को प्रोत्साहन नहीं देंगे तो दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे। यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 में इसे मनाने की घोषणा की है और 2000 से हर वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये दिन बांग्लादेश के लंबे समय से अपनी मातृभाषा बंगला की रक्षा के लिए किए गए प्रयास की याद में मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे हर दिन बोलें और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के इस दिन पर सबको इसे बोलने के लिए उत्साहित करें। खुशियों से भरा हो 2022 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। धन्यवाद।